जी हाँ, कैनेडा का जो एनुअल इनफ्लेशन रेट है वह हूँ फरवरी के काफ़ी ज़्यादा घट गया है। जिनी एक्सपैक्टेशन सी, जिनी उम्मीद सी, उस तो कितने यह घट गया है। 5.2% हूँ रह गया है फरवरी के जो इनफ्लेशन रेट पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो बहुत घट गया है। और जनवरी के 5.9% सीगा और जनवरी 2022 तो बाद लोएसट इनफ्लेशन रेट जो है हूँ आया है। और बैंक ऑफ कैनेडा का कहना है कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स ने उसका भी बड़ा वड्डा रोल सीगा, पर उसनु भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बैंक जरा लगातार रेट्स वधा रहा सीगा ताकि ये जरा है प्राइस प्रेशर है उसनु घटाया जा सके और इन्फ्लेशन जरा है कंट्रोल किया जा सके। और एक बड़ा वड्डा कारण सीगा कि गैसोलीन प्राइस जड़े ने वो लगातार वधते रहे सीगे, तो उसके विच बहुत ज़्यादा हुण ड्रॉप आ गया। गैस के प्राइस काफ़ी घट गए ने, पहली बारी है 2021 तो बाद कि गैस के जो प्राइस ने वो 5% तक जड़े ने वो पहुँच चुके ने। और हालांकि काफ़ी जगह जड़े गैस के प्राइसिस भी घटे ने, बाकी तरह नाल देखा जाए तो इन्फ्लेशन घट रही है, पर ग्रोसरी के प्राइसिस जड़े ने वो ओवरऑल इन्फ्लेशन के हिसाब के नाल काफ़ी अगे बढ़ रहे हैं। और प्राइसिस जड़े ने फूड के वो फरवरी के 10.6% इन्फ्लेशन सी पिछले साल के कंपैरेटिवली काफ़ी इन्फ्लेशन सी, और सत्तवां महीना सीगा कि डबल डिजिट के जी है इन्फ्लेशन हो रही सी ग्रोसरी प्राइसिस के। पर इस करके ग्रोसरी के कंज्यूमर वास्ते कोई सेविंग नहीं सी, पर बॉटम लाइन जो देखा जाए तो जी कोर रीडिंग है इन्फ्लेशन की वह बिल्कुल सही पाते चल रही है। बैंक ऑफ कैनेडा का कहना है कि अगले महीने वो हो सकता है कि इंट्रस्ट रेट्स नूं होर भी होल्ड ऑफ करके रखे, और कोशिश की जा रही है कि जोड़ा इन्फ्लेशन रेट है वह अपने टारगेट पर लिया जाए। 2% तक की जी इनक्रीज सिर्फ उस होनी चाहिए है, और यह इन्फ्लेशन रेट जरा कोशिश की जा रही है 4.5% तक हूँ लैके आंदा जाए, पर ऑलरेडी 5.2% इन्फ्लेशन रेट जो है आ चुका है।